मैंने कितने मंत्री दे हुए एक रकम के पीछे। हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी फोटो लगाकर किसी वॉलपेपर को लगाकर इस तरह की न्यू ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इस तरह की बिना लिखे न्यू ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो बनाने के लिए आपको एक ऐप को डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है कैनमास्टर। तो आपको कैनमास्टर ऐप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको लिंक पर क्लिक करके कैनमास्टर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद कैनमास्टर ऐप को ओपन करना है। कैनमास्टर ऐप ओपन करते ही दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको बीच में एक प्लस वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको नारेसो 60 वाली साइज को सिलेक्ट करना है। यहां से आपको मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहां से आपको उस फोटो के वॉलपेपर को सिलेक्ट करना है जिस पर भी आप वीडियो को बनाना चाहते हैं। यहां से आप अपनी फोटो को या किसी वॉलपेपर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम इसमें एक वॉलपेपर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इस वॉलपेपर को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट होने के बाद आपको वॉलपेपर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको पैन एंड जूम वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहां से आपको वॉलपेपर को जूम करना है। इस तरह से आपको फुल स्क्रीन में वॉलपेपर को जूम करना है। आपको वॉलपेपर की लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इसकी लेयर को खींचकर थोड़ा सा लंबा कर देना है। यहां से आपको इसको डन कर देना है। फर्स्ट पोजीशन पर आ जाना है। लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। दोस्तों, यहां से आपको एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो को सिलेक्ट करना है। आपको इस ग्रीन स्क्रीन वीडियो की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको लिंक पर क्लिक करके इस ग्रीन स्क्रीन वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से आपको ग्रीन स्क्रीन वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको बॉक्स वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपकी ग्रीन स्क्रीन वीडियो फुल स्क्रीन लग जाएगी। ऊपर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है स्प्लिट स्क्रीन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको नीचे जाना है। नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है क्रोमा की, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको क्रोमा की वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना है। इस तरह से यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस तरह से एडिट हो चुकी है। अब आपको फिर से लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने का तो मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको इसमें एक बॉर्डर लाइन को सिलेक्ट करना है। आपको इस बॉर्डर लाइन की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको लिंक पर क्लिक करके इस बॉर्डर लाइन को डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से दोस्तों, आपको बॉर्डर लाइन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको इसको फुल स्क्रीन में लगा देना है। आपको बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी बॉर्डर लाइन फुल स्क्रीन में लग जाएगी। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। बॉर्डर लाइन की लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इस लेयर को खींचकर वीडियो की लेयर के बराबर कर देना है। इस तरह से आपको ग्रीन स्क्रीन वीडियो की लेयर के बराबर कर देना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। एक्स्ट्रा वॉलपेपर की लेयर को आपको बीच में से कट कर देना है। वॉलपेपर की लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको कैची वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको ट्रिम टू राइट टू प्लेट पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितनी अमेजिंग तरह से यहाँ पर सेट हो चुकी है। आपको लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने का मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको इसमें एक पार्टिकल इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। आपको इस पार्टिकल इफेक्ट लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको लिंक पर क्लिक करके इस पार्टिकल इफेक्ट को डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से दोस्तों, आपको पार्टिकल इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको इसको फुल स्क्रीन में लगा देना है। आपको बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने का तो यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका इफेक्ट फुल स्क्रीन में लग जाएगा। आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है स्प्रेड स्क्रीन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक होने का तो आपको यहाँ से नीचे जाना है। नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है ब्लेंडिंग, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने का तो आपको स्क्रीन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितनी अमेजिंग तरह से यहाँ पर सेट हो चुकी है। अब आपको यहाँ से इसको डन कर देना है। तो दोस्तों, अब हम वीडियो को चलाकर देखेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितनी अमेजिंग तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब आपको इस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको इसकी क्वालिटी को सिलेक्ट करना है। यहाँ से हम इसको 1080p की क्वालिटी में इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है एक्सपोर्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके वीडियो डाउनलोड होने लगेगी। तो दोस्तों, आप इसी तरह से न्यू ट्रेंडिंग एटीट्यूड स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।